हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। वाटरमेलन स्वीट्स बनाने के लिए हम रात भर 150 ग्राम काजू को भिगाकर रख देंगे और सुबह उसे अच्छे से पानी से धो लेंगे और धोकर हम इसे एक छोटे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे पीसे हुए पेस्ट को, और जिस बाउल में हमने निकाला है वैसे ही सेम बाउल में एकदम एक जैसे ही बराबर मात्रा में पीसी हुई चीनी लेंगे। चीनी को मिक्सी के जार में डालकर एकदम चिकना पीस लें, आटे की तरह पीस लें, अच्छे से चलाएं उसे बार बार लगातार, तब वो अच्छे से चिकना पीस जाता है। अब हम एक नॉन स्टिक पैन में 1/4 टीस्पून घी डालकर गरम करेंगे और गैस बंद करके हम 1 टीस्पून काली तिल को डालकर उसमें बस चला देंगे। और उसे निकाल के रख। अब एक नॉनस्टिक पैन में हम पीसे हुए काजू को डालकर 1 मिनट तक पहले घोटेंगे। इन्हें ऐसे ही घोटने से जितना भी इसमें मॉइस्चर होता है पहले 1 मिनट में वो पूरे ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। अब हम पाउडर शुगर इसमें डाल देंगे और मिला लेंगे इसे अच्छे से। मिला, देखिए कुछ देर में पूरे शुगर मेल्ट हो जाते हैं। और लगातार चलाते रहें, इसे छोड़े नहीं, लो हीट में ही इसे पकाना है। हीट को हाई नहीं होने दे करना है। हीट हाई होगा तो इसका टेक्सचर पूरा बिगड़ जाएगा, पूरे ड्राई हो जाएंगे जल्दी से और अच्छे से जमेंगे नहीं, इसलिए लो हीट में ही आराम से इसे पकाएं। ये बहुत जल्दी ही बन जाते हैं, इसलिए इन्हें जैसे ही ये किनारी छोड़ने लगे और सेंटर में इकट्ठा होने लगे हम तुरंत ही गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, ये किनारी छोड़ने लगी और सेंटर में इकट्ठा होने लगे। अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और जिस कढ़ाई में हम बनाए हैं उसी में इसे फैलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, हम ठंडा होने के बाद इसे उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं, आसानी से ये निकल जा रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से बॉल जैसा बन गया। अब इसे उठा लेते हैं। अब इसे 3 भाग में बांट लेंगे। एक भाग में हम रेड कलर डाल लेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें रोज एसेंस डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हाथों की सहायता से इसे मिला लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। अब दूसरे भाग में हम हरा कलर मिला लेंगे। और उसके छोटे बॉल बनाकर हम बेलन की सहायता से सीट में बेल लेंगे। सीट में घी लगाकर इसे बेल लें। अब जो तीसरा जो पार्ट है वो वाइट वाला है, उसे भी हम बेल लेंगे। अब जो वाइट वाला डिस्क है उसके ऊपर हम बनाया हुआ रेड बॉल रख देंगे और पूरी तरह उसे वाइट वाले डिस्क से कवर कर देंगे। अब ग्रीन वाला लेंगे और उसे भी वाइट वाले बॉल को उसके अंदर रख कर पूरी तरह से कवर कर देंगे। इसी तरह से हम सभी बॉल्स तैयार कर लेंगे। और 1 घंटे के लिए हम इसे ठंडा होने के छोड़ देंगे। 1 घंटे में ये पूरी तरह सेट हो जाते हैं, उसके बाद हम इसे काटेंगे। ये 1 घंटे हो चुके हैं, अब मैं इसे काट रही हूँ। ये देखिए,
कितना सुंदर कलर निकला है इसका और कितने अच्छे से परफेक्ट बने हैं, सूख गए हैं बहुत अच्छे से। ऐसे ही सभी को काट लें। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, एकदम परफेक्ट जमे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। आप भी ऐसी बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।